बेसन का ऐसा लाजवाब हलवा जो सभी उम्र के लोगों को बहुत ही पसंद आता है और ये होता भी बहुत ही स्वादिष्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज और चटपटी चटोरी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजयदशमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दशहरे के इस पावन अवसर पर आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ही टेस्टी और एकदम दानेदार बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और एक सही माप के साथ आप इसे आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही दानेदार और एकदम जो है रिच बनता है। खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान। तो चलिए फिर बनाते हैं बेसन का ये लाजवाब सा हलवा। बेसन का एकदम दानेदार और स्वादिष्ट लाजवाब हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और उसमें लेंगे हाफ कटोरी घी। आप मेजरमेंट के लिए घर की कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए जिससे आप सारा नाप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इस तरह की कटोरी ली है। अब हम इस वाली कटोरी में से जो ये घी है उसमें से हम जो है थोड़ा सा घी बचा लेंगे। ये देखिए मैंने इतना घी बचा लिया है, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें जो है अपनी इच्छा अनुसार जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाना पसंद करें उसे हम रोस्ट कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, इसके बिना भी बेसन का हलवा बहुत ही लाजवाब बनता है। जब ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से रोस्ट करने से ना ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट दुगना हो जाता है। अब यहाँ पर हम डालेंगे एक कप बेसन। उसी कटोरी से मैंने एक कप बेसन लिया है। आप घर की कोई भी कटोरी या कप जो है सेट कर सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और धीमी आंच पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बस अब धीमी आंच पर हमें इसे जो है धीरे धीरे मिक्स करते रहना है और इसे पकाते रहना है, तब तक जब तक ये अपना ऑयल अच्छे से रिलीज ना कर दे। अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है मैंने, ये देखिए। अब इसे हम जो है बस धीमी आंच पर पकाते रहेंगे 5 से 6 मिनट, और 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छे से भुन जाएगा और अपना घी भी जो है छोड़ने लगेगा। अभी आपको ये सूखा सूखा लग रहा होगा ना, लेकिन जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे ये जो है अच्छे से भुनता जाएगा और ये देखिए इस तरह से अपना घी जो है रिलीज कर देगा। 6 से 7 मिनट हुई है मुझे इसे अच्छे से भूनते हुए। अब यहाँ पर ये अच्छे से भुन गया है, इसने जो अपना ऑयल है वो भी रिलीज कर दिया है। इस स्टेज पर हम यहाँ पर डालेंगे 2 टीस्पून सूजी। सूजी डालने से हलवे को बहुत अच्छा टेक्सचर मिलता है और हमारा जो हलवा है ना वो एकदम दानेदार बनता है। ये देखिए फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा हुआ है मैंने। लो फ्लेम पर हमें जो है सूजी को भी बेसन के साथ अच्छे से भून लेना है। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे और ये देखिए सूजी भी बहुत अच्छे से भुन गई है और घी जो है छोड़ दिया है। अब यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 जो है बड़े चम्मच दूध। जी हाँ, दूध डालने से होगा क्या, हमारा जो हलवा है ना ये देखिए इस तरह से एकदम जो है दाना बनाने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना दानेदार हो गया हमारा ये मिश्रण। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमें 2 से 3 जो है छोटे चम्मच, जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना वो यहाँ पर डालने हैं दूध के। और ये देखिए इसे मैंने लगातार अच्छे से चला लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शुगर। शुगर मैं ले रही हूँ 1/2 कप। आप इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने शुगर यहाँ पर इसलिए डाली है ताकि शुगर जो है ना वो अच्छे से ना कैरमलाइज भी हो जाए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे इसे जो है अपने आप से मेल्ट होने देंगे। जब तक ये मेल्ट होती है तब तक हम जो है एक जो है भिगोने में लेंगे 2 कप पानी। जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था सारा मेजरमेंट उसी कटोरी से लिया है, उसी कटोरी से मैंने 2 कप पानी डाला और थोड़ा सा फूड कलर। एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा फ्लेम को बंद कर देंगे और ये देखिए शुगर हमारी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई है। लेकिन अगर पूरी भी मेल्ट ना हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पर डाल रहे हैं अब ये गरम गरम जो है पानी, जिससे हमारी जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए हमें इसी तरह ना बॉयल करके ही पानी डालना है। ठंडा पानी आप बिल्कुल मत डालिएगा, उससे हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। और ये देखिए इसे लगातार हम यहाँ पर चलाते रहेंगे। फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें अदरवाइज स्किप करें। और ये देखिए हलवे ने सारा जो पानी है वो सोक कर लिया है और हमारा हलवा ना कितना सॉफ्ट बना है। अब जो बचा हुआ घी था वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे और इसे हलवे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारा जो घी है वो अच्छे से जो है हलवे ने सोक कर लिया है। बहुत ही टेस्टी हमारा बेसन का हलवा तैयार है। हम इसमें जो है अपने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा यहाँ पर हम और पका लेंगे। ये देखिए कितना टेस्टी और कितना अमेजिंग एकदम दानेदार हमारा जो है बेसन का हलवा बनकर रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ना।
तो चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म दानेदार बेसन का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। इस दशहरे पर आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। यकीन मानिए, जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना, तो आपका फेस्टिवल का मज़ा ना दुगना हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग बनता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप इसे बनाइएगा, आपका हलवा भी ना एकदम दानेदार और इतना ही टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।